हेलो दोस्तों, मैं सुधाकर यादव फिर से आज आपके सामने। जैसा कि आपने देखा था कि पिछले क्लास में हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, विभाज्यता के नियम, और उसमें हमने कुछ अंकों के बारे में बात कर लिया था। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जीरो से विभाज्यता के नियम, एक से विभाज्यता के नियम, उसके बाद हमने बताया था दो तथा दो के घात के रूप में जितने भी अंक आते हैं, जैसे दो, दो के घाते दो का वैल्यू होता है चार, दो के घाते तीन का वैल्यू होता है आठ, सोलह, बत्तीस, अप टू डॉट डॉट डॉट, तथा अन्य दो अंक तीन और नौ। इन सभी अंकों के बारे में हम आपसे बात कर लिए थे। आज हमें आपको इसके आगे बताना है, यानी अगर हम देखें, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, तो अगली संख्या बचती है पांच, यानी पांच से विभाज्यता का रूल क्या होता है। तो अब देखिएगा, अगर हम पांच की बात करें, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दो से विभाज्यता का रूल, चार से विभाज्यता के रूल, आठ से, सोलह से, तो सेम इसी तरह अगर हम देखें तो फाइव का भी सेम उसी तरह होता है। जैसे फाइव है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, फाइव टू दी पावर वन। इसके बाद अगर देखें तो 25, अगर हम 25 के विभाज्यता के रूल की बात करें तो 5 के घाते 2। सेम इसी तरह अगर 125 की हम बात कर लें, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के घाते 3। इसी तरह अगर हम 625 की बात कर लें तो 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के घाते 4। और जो पावर होता है, जो घात होता है, हमने बताया था इस घात का अर्थ होता है कि अंतिम से अंक, यानी अंतिम के अंक, यानी इस घात का मतलब क्या होता है कि अंतिम के अंक से हम रिलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 के पावर 1 है तो पावर 1 है, इसका मतलब है अंतिम एक अंक। अगर पावर 2 है तो इसका मतलब है कि अंतिम दो अंक। अगर पावर 3 है इसका मतलब होता है अंतिम तीन अंक, और यदि पावर 4 है तो इसका अर्थ ये होता है कि अंतिम चार अंक। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई संख्या लिख दें, जैसे एक संख्या लिखते हैं 4562105 3। मान लीजिए कि हम आपसे पूछे क्या ये संख्या 5 से विभाजित है, तो 5 से विभाजित का मतलब 5 के पावर 1 है, और पावर 1 का मतलब क्या होता है, हमने आपसे बताया पावर 1 का अर्थ होता है अंतिम एक अंक से। अब हम देखिएगा इसमें का अंतिम अंक जैसे 3 ले लेते हैं। अब ये बताइए 3 5 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है। अगर 3 5 से नहीं डिवाइड है तो कंफर्म है कि ये जो संपूर्ण संख्या है ये 5 से विभाजित नहीं होगी। अगर हम ये 3 हटा दें, अब देखिएगा लास्ट अंक क्या है, 5 है। अब ये बताइए जो 5 है ये 5 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, अतः ये संपूर्ण संख्या 5 से विभाजित होगी। अगर हम इसकी बात कर लें तो ये बताइए अंत में कितना है, 0 है, और आपको पता है कि 0 5 से बिल्कुल विभाजित है, और यदि 0 5 से बिल्कुल विभाजित है तो कंफर्म है कि ये संख्या भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। सेम इसी तरह मान लीजिए अगर हम 25 की बात कर लें, जैसे आपके सामने कोई संख्या हम रखें 4562165005। मान लीजिए हम आपसे बोल दें कि क्या ये संख्या 25 से विभाजित है। अगर हम 25 से विभाज्यता की बात कर लें तो अब देखिएगा 25 का मतलब क्या होता है कि 5 के पावर 2, यानी 5 के पावर 2, और 2 का मतलब क्या होता है, अंतिम दो अंक से मतलब होता है। तो अब देखिएगा इन संपूर्ण संख्या की अगर हम बात करें तो इसका अंतिम दो अंक क्या है, 05, और आपको पता है कि जो 05 है ये 25 से विभाजित नहीं है। अगर ये 25 से विभाजित नहीं है तो कंफर्म है कि ये संपूर्ण संख्या जो होगी वह 25 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ से हम इस 5 को हटा देते हैं, अगर ये 5 हट जाता है तो अब बचा क्या, 50।
और आपको पता है कि ये जो 50 है बिल्कुल ये 25 से क्या है, विभाजित है, और यदि ये 25 से विभाजित है तो ये जो संख्या है ये कंफर्म है कि 25 से विभाजित होगी। सेम इसी तरह अगर हम 125 की बात कर लें तो अंतिम तीन अंक देख लेते हैं, अगर 625 की बात कर लें तो अंतिम चार अंक देख लेते हैं। अब देखिएगा इसमें आपके पेपर में इससे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, जैसे मान लीजिए कि चार ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्न में कौन सी ऐसी संख्या है जो 25 से विभाजित है, निम्न में ऐसी कौन सी संख्या है जो 125 से विभाजित है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या आते हैं कि मान लीजिए कि चार ऑप्शन है तो आप चारों ऑप्शंस को अलग अलग डिवाइड करके तो देख नहीं सकते हो। मान लीजिए अगर आप देखते हैं तो आपका टाइम ज्यादा व्यतीत तो होगा। तो अगर ये चीजें आपको पता है तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी, काफी कम टाइम में आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन हम नोट करते हैं, मान लीजिए कि एक अलग सा क्वेश्चन इस पे क्या बनता है कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम नोट करते हैं, मान लीजिए कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया 9521675918 7, मान लीजिए ये संख्या आ जाए और आपसे कह दे कि मैं 125 से भाग किया जाए, 125 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा। तो अब देखिएगा इतनी बड़ी संख्या है, यदि आप संपूर्ण संख्या में 125 से भाग करते हैं तो आपका टाइम काफी ज्यादा व्यतीत तो होगा। तो अब आप क्या जानते हैं कि 125 की विभाज्यता का रूल क्या होता है, कि 125 को हम लिख सकते हैं 5 to the power 3, और पावर 3 का मतलब उसके लास्ट अंक से होता है, लास्ट डिजिट से होता है। तो देखिए अगर पावर 3 है तो आप इसका अंतिम तीन अंक ले लेंगे, अंतिम तीन अंक लेने का मतलब 872 ले लेंगे, और इसमें किसका भाग कर देंगे, 125 का भाग कर देते हैं। अब देखिएगा अगर 125 का भाग करते हैं तो भाग देखिए कितनी बार जाएगा, ठीक है। तो अगर हम भाग देखें तो शायद 6 बार जाएगा, तो देखिए 6 × 25 30, 6 × 12 12 × 3 15, 6 × 9 6 6 × 1 7, तो यहां देखिए कितना बचा, 2। 7 में से अगर हम 5 घटाएं तो कितना बचेगा, 2। यहां देखिए 8 में से 7 घटा दें तो कितना बचा, 1। यानी कितना शेष बचा, 122 शेष बचा, और यही जो 122 शेष बचा है यही शेष कब बचेगा, जब हम इस संपूर्ण संख्या में 125 का भाग करेंगे। तो एक ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड करके, बात समझ में आ गई। मान लीजिए कि अगर यही हम 25 से भाग करते तो डायरेक्ट हम अंतिम कितने अंक ले लेते, 2 ले लेते, 25 × 2 = 50, बचा कितना, 22, अतः आपका आंसर कितना होता है, 22। अगर 625 से कह दे तो हम लास्ट कितने डिजिट लेते हैं, 4, यानी हम अंतिम के 4 अंक उठाते और उसमें क्या करते हैं, इसका भाग कर देते, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिएगा इसके बाद की हम बात करते हैं कि इसके बाद बचे कुछ अंकों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अब देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बचा कौन, 6। अब देखिएगा 6 के बाद अगर देखें तो 7 बचता है, और 7 के बारे में हम बाद में बात कर लेते हैं। फिर देखिए 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 हो गया था, 9 भी हो गया, बचा कौन, 10। फिर देखिए 11 की बात हम आगे कर लेंगे, कौन बचा, 12। 13 की भी बात हम आगे कर लेंगे, बचा कौन, 14। 14 के बाद 15, 16 तो हो ही गया था, 17 की बात छोड़िए, 18, 20, 21 अप टू डॉट डॉट, कुछ इस तरह के अंकों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इन सबों के विभाज्यता के रूल क्या होते हैं। और देखिए कंफर्म होता है कि इससे अगर हम देखें विभाज्यता के रूल से तो हर एक पेपर में एक क्वेश्चन तो कंफर्म होता है कि कम से कम इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और देखिए यदि आपको विभाज्यता के रूल के बारे में अच्छे से पता है तो आपका एक टॉपिक और हो जाता है रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल प्रमेय भी इससे ज्यादा रिलेटेड लगभग 80% से 85% तक इसी से कोरिलेट होता है।
और यदि आपको ये चीजें समझ में आती हैं तो वहां ज्यादा समस्या कोई आने वाली नहीं। तो जैसे अगर हम छह की बात कर लें तो छह की विभाज्यता का रूल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, हम छह को क्या लिख सकते हैं, दो गुणे तीन। अगर हम दस की बात करें तो दस का छोड़िए बहुत ही आसान होता है, अभी बता देते हैं। अगर हम बारह की बात कर लें तो बारह को हम क्या लिख सकते हैं, तीन गुणे चार। यदि हम चौदह की बात करें तो चौदह को क्या लिख सकते हैं, दो गुणे सात। अगर हम पंद्रह की बात करें तो पंद्रह को क्या लिख सकते हैं, तीन गुणे पांच। अगर हम इसके बाद अठारह की बात करें तो क्या कर सकते हैं, दो गुणे नौ। अगर हम 20 की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, चार बच्चे 20। और 21 की बात करें तो क्या हो सकता है, तीन सते 21। तो अब देखिएगा, कुछ बच्चों के मन में डाउट्स आते होंगे कि जैसे सर मान लीजिए कि 12 है तो आप 12 को क्यों दो गुणे छह नहीं कर दिए, ये भी तो सही है, दो छक्के 12 कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं 20 है तो आप इसको क्यों दो गुणे दस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे कहने का अर्थ क्या है कि हाँ बिल्कुल आप दो गुणे छह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी संख्याएं होंगी, जैसे मान लीजिए कि हम 12 को क्या किए हैं कि तीन गुणे चार के रूप में तोड़े हैं, तो तीन गुणे चार का मतलब क्या है कि इसमें दो अंक तीन और चार है, और ये जो भी जोड़े होने चाहिए ये एक को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए, यानी एक को प्राइम नंबर होना चाहिए। और आपको पता है कि 2 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो सह अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि ऐसी दो संख्याओं का युग्म, ऐसी दो संख्याओं का युग्म, जैसे मान लीजिए युग्म का मतलब होता है कि मान लीजिए जब दो संख्याओं को हम एक साथ करके लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एक संख्या ए हो गई और एक संख्या बी हो गई, अगर हम इन दोनों को एक साथ रखें तो युग्म बनाते हैं, यानी ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका मौसर का मतलब ये ए और बी, ये दोनों संख्याओं का जो मौसर होगा ये सदैव कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। यानी ऐसे संख्याओं का युग्म जिनका मौसर एक हो उसे हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई, यानी इन दोनों संख्याओं में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं मिलने चाहिए, यानी दोनों में ऐसा कोई फैक्टर होना ही नहीं चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, यानी अगर स्पष्ट कहें तो ऐसा कोई अंक नहीं होना चाहिए जो दोनों संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। जैसे मान लीजिए कि दो और छह आप लिए हैं, तो दो और हम छह की बात करें तो देखिए दो जो है दो से विभाजित है, लेकिन अगर हम छह की बात कर लें तो छह भी क्या है, दो से विभाजित है। अतः हम दोनों में देखें तो दोनों का एक कॉमन फैक्टर दो मिल जा रहा है, और अगर दोनों का कॉमन फैक्टर दो मिल जा रहा है तो इसका कभी भी मसा एक पॉसिबल नहीं है, यानी इसका मसा कभी भी एक संभव नहीं है। अतः हम कभी भी 12 को दो गुणे छह के रूप में नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए, को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका मसा एक हो उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। और कभी भी किसी संख्या के विभाज्यता के बारे में बात करें तो आप उनका फैक्टर करिए, और हमेशा जो फैक्टर होना चाहिए वह एक को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब देखिएगा, अगर हम इसके विभाज्यता की बात कर लें, जैसे मान लीजिए कि छह के विभाज्यता की हम बात कर लें, तो सिंपल सी बात होती है कि सबका एक ही है। जैसे छह की अगर हम बात कर लें तो वे सभी संख्याएं छह से विभाजित होंगी जो दो और, देखिएगा या की हम बात नहीं कर रहे हैं, दो और तीन दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो, यानी वे सभी संख्याएं छह से विभाजित होंगी जो संख्या दो और तीन दोनों से विभाजित होंगी। आ गई बात समझ में। जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या हो, जैसे हम सिंपल सी बात है कि 12 ले लेते हैं, तो आपको पता है कि देखिएगा 12 जो है वह छह से विभाजित है। तो देखिए, अगर 12 छह से विभाजित है तो कन्फर्म है ये दो से भी विभाजित होगा और
तीन से भी विभाजित होगा। जैसे आप 30 ले लीजिए, तो अब देखिएगा अगर 30 6 से विभाजित है तो कंफर्म है 2 से भी होगा और 3 से, दोनों से अलग अलग विभाजित होगा, अतः यह संख्या क्या होगा 6 से विभाजित होगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि अरे सर ये 5 से भी विभाजित, हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर 6 से विभाजित होगा तो कन्फर्म है कि वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह मान लीजिए अगर हम 12 की बात करें तो 2 × 3 यानी वे सभी संख्याएं 12 से भी विभाजित होंगी, जितनी संख्याएं 3 और 4 दोनों से विभाजित है। अगर मान लीजिए हम 15 की बात करें तो 3 और 5 यानी वह संख्या जो 3 और 5 दोनों से विभाजित है कन्फर्म है कि वह संख्या 15 से भी विभाजित होगी। मान लीजिए 18 की हम बात कर लें तो ऐसी संख्या जो 2 और 9 दोनों से विभाजित हो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 18 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें हम थोड़ा क्वेश्चन की बात कर लें कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है इस तरह, देखिए सुन लीजिए नोट करते रहिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 72 से विभाजित है, मान लीजिए ऐसी कौन सी संख्या है जो 72 से विभाजित है, तो आप देखिएगा 72 की अगर हम बात कर लें, 72 की बात कर लें, आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और ये रहा आपका चौथा ऑप्शन। अब ये बताइए 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे और चारों ऑप्शन इतने छोटे नहीं होंगे कि एक ऑप्शन 72 हो गया, एक 144 हो गया, एक 145 हो गया, जब भी ऑप्शंस होंगे तो लगभग ये 3 4 5 अंक में होंगे, तो 3 4 5 अंक का मतलब ये है कि थोड़े बड़े होंगे, और यदि थोड़े बड़े होंगे तो कंफर्म है कि आप सभी को चेक करने में ज्यादा टाइम व्यतीत होगा, तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। तो अब आप क्या करेंगे कि 72 से न चेक करके इसे चेक करने का आपका एक अगला तरीका क्या होगा कि अब 72 के विभाज्यता का रूल तो आपको पता नहीं है, और यदि 72 के विभाज्यता का रूल नहीं पता है तो फिर क्या होगा, तो अब देखिएगा 72 का मतलब क्या होता है कि 72 के फैक्टर की अगर हम बात करें तो कितना होगा, 8 × 9 यानी 8 × 9 = 72। अब 8 × 9 का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि 8 × 9 क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, यानी 8 और 9 दोनों क्या है, एक प्रकार के सह अभाज्य संख्या है। तो यदि सह अभाज्य संख्या है तो वह संख्या जो 8 और 9 दोनों से विभाजित हो वह संख्या कन्फर्म है कि 72 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो अब देखिएगा आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो जब आप चेक करेंगे तो आपको पता है कि 9 की विभाज्यता के रूल बहुत ही आसान होते हैं, तो आप बिल्कुल चेक करते जाइए, बाहर करते जाइए, मान लीजिए कि ये 2 अंक 9 से नहीं कटा, ये 8 से नहीं कटा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हम आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरे क्वेश्चन उपस्थित होंगे, किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम इसके बाद की बात करें, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि 72 की विभाज्यता का रूल क्या होता है। इसी तरह मान लीजिए कि 35 का पूछ दिया, निम्न में कौन सी संख्या 35 से विभाजित है, तो फैक्टर देख लेंगे 5 × 7 यानी 5 × 7 = 35। मान लीजिए इसी तरह कहीं पेपर में क्वेश्चन आ जाए 132 से कौन सी संख्या विभाजित है, तो 11 × 12 करा लेंगे। अब देखिएगा अगर 12 में प्रॉब्लम है तो 3 × 4 यानी आप देख लेंगे पहले 3 से फिर देख लेंगे 4 से, तो ऑप्शंस बाहर होते जाएंगे, हम इसके बारे में आगे बात कर लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से और उसमें क्या होगा आपको ज्यादा समझ में आएगा जब बाय एग्जांपल आपके सामने दिखेगा। अब देखिएगा इसके बाद की बात कर ले तो हम एक अंक छोड़ दिए थे जो दूसरा अंक क्या है 10, तो हम 10 के बारे में बात कर लेते हैं कि 10 के विभाज्यता का रूल क्या होता है। तो अब देखिएगा अगर हम 10 के विभाज्यता की बात कर लें तो 10 के विभाज्यता की बात कर लें तो आपके मन में आता होगा कि सर इसे हम 2 × 5 भी तो कर सकते हैं,
और 2 और 5 दोनों बिल्कुल क्या है? सह अभाज्य संख्या है। दोनों क्या है? बिल्कुल क्या है? सह अभाज्य संख्या है। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताइएगा, अगर 10 की विभाज्यता की हम बात कर लें तो इतना आसान है कि लास्ट में क्या है? 10 है, यानी अंतिम अंक क्या है? 0 है। तो अब अंतिम अंक 0 का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर इसमें हम 10 से भाग करें तो ये देखिए 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यानी ये संख्या जो है ये बिल्कुल 10 से क्या है? विभाजित है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं इसी की जगह हम ये लिख दें और आपसे कहें कि ये बताइए 10 से विभाजित है, तो नहीं नहीं बिल्कुल ये 10 से विभाजित नहीं है। यानी 10 से विभाज्यता का रूल क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यानी यूनिट प्लेस 0 है तो कंफर्म है कि ये संख्या क्या होगी? 10 से विभाजित होगी। ठीक है, अगर इस तरह की हम बात करें तो देखिएगा कि ये आपके बेसिक क्या थे? विभाज्यता के नियम थे। अब इसमें आपके 3 अंक काफी इंपॉर्टेंट बच गए हैं, पहला 7, दूसरा 11 और तीसरा 13, और इन तीनों अंकों के बारे में हम स्पेशल आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके रूल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, अक्सर इससे क्वेश्चंस पेपर में आया करते हैं, और जब हम इन तीनों की बात करेंगे तो उसमें आपको हम प्रैक्टिस भी करा देंगे यूनिट प्लेस से पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।